फाइनली 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद पहला स्टॉप हमने लिया गाइस। रास्ते पर आपको दिखाते जाएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और अब तो भाई पब्लिकली बहुत सी चीजें नहीं कर सकते हैं, और हाईवे मेरी मोटर तो जरूर चलेगा। बिल्कुल हाँ गाइज, बेसिकली ट्रिप स्टार्ट हो गया। ट्रिप की स्टार्ट इतनी सही तरीके से हुई है कि हमारा फास्टैग जो वो चल नहीं रहा है, और उसका हम पासवर्ड भूल गए, दो बार रिचार्ज कर दिया, बैलेंस डिडक्ट हो गया, बट फास्टैग तक पहुंचा नहीं। फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि फास्टैग पे कुछ भी हम कर पाए, डिकोड कर पाए इसे, जैसे राउंड 12 वालों ने डिकोड किया था, कासम भी कर लें। बाकी आगे ट्रिप कैसा होता है पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। मतलब इतना सही स्टार्ट है ना ट्रिप का, मज़ेदार होगा। बस इतना कह सकते हैं पक्का 110% कि सारे लौंडे लौंडे जा रहे हैं, मज़ेदार ट्रिप मारेंगे। मज़ेदार मतलब चुम्बा कंटेंट आएगा पूरा, लास्ट तक देखना, मज़े से देखना। बेसिकली ये देख लो, किसान आंदोलन का ये सीन हो रखा है, एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। खामखा बदनाम कर रखा है इस मोदी सरकार ने, बर्बाद कर दिया देश को, देश बेच खाएगा ये, मैं कह रहा हूँ आपको, लिखवा के ले लो मेरे से। किसान एकता जिंदाबाद में, खामखा बदनाम कर रखा है इन भाइयों ने, एकदम शांतिपूर्ण चल रहा है। बताओ, अरे भाई साहब इतनी ठंड में, यार इतनी ठंड में पूरा व्यवस्था ले रखा है, एक नंबर का भाइयों ने, मजा आ गया देख के। यही जज्बा चाहिए, यही जज्बा चाहिए भारत के अंदर हमें, यही भारत की तरक्की होगी, अदरवाइज तो क्या होना, कुछ नहीं होनी। यहाँ देख सकते हो किसान का लंगर लगा हुआ है, मतलब बिल्कुल ही सही कर रखा है उन्होंने। भाई साहब किसी शादी किसी प्रोग्राम का जैसा व्यवस्था पूरा यहाँ पे टंच, हाइजीन वाइजीन सब मेंटेन कर रखा है भाई साहब। ये देख लो गन्ने पूरे ट्राला ट्राला भर के ला रखे इन्होंने, तो बस मान लिया भाई ने, सैल्यूट है इनको तो भाई, समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से क्या कैसे कर रहे हैं, बस होता जा रहा जो हो रहा है। अगर यहाँ चल रहे हैं देखो भाई, मैं कुछ तो प्रोटेस्टर है, कुछ तो भाई लोकल भी है। यो भाई यहाँ ये देखो यार, ये देखो भाई साहब, हैट्स ऑफ है भाई साहब, धन्यवाद जी धन्यवाद। मैं पूरा ट्रैफिक भी खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं, यही चाहिए था। ओ भाई साहब देखो, ग्रेट ग्रेट मैन ग्रेट, बस अब खत्म भाई, लोगों को परेशान नहीं 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 बिल्कुल परेशान नहीं, सरदार ऐसे भाई ना सर, बिल्कुल भी परेशान की भाई, और भी आंदोलन। स्माइल प्लीज, भर गया था स्मोक। ओहो फिर से जावेद भैया, भाई साहब आप व्लॉग में हैं, मुस्कुरा तो दीजिए। फाइनली 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद पहला स्टॉप हमने लिया जलंधर, और हमारा प्लान था कि हम 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे अमृतसर, जो कि मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि यार किसान आंदोलन में थोड़ा सा तो टाइम लग गया, बट ये भी नहीं कह सकते ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि यार डाइवर्जन दे रखा है, अंदर से आना पड़ रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी खाना वाना खाते हैं यहाँ पर, हल्का फल्का लाइट लेते हैं, अगर देख पाए सुबह का दरबार, पता नहीं यार किस्मत होगा तभी देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। और खाना खाने के बाद बढ़िया खाना खाया, मतलब बढ़िया क्या खाया, खाना तो बढ़िया लगा ही नहीं, फिर भी यार मन मार के खा लिया हमने कैसे भी, और बहुत सारे सौंफ और जो भी होता है ना मतलब माउथ फ्रेशनर, वो हमने भर लिया अपने पास, बढ़िया चलेगा पूरे रास्ते काम उससे। 6 रोटी भाई खाए, 6 रोटी और कम से कम ये लगा लो 60 रुपए का तो सौंफ हमने चोरी कर लो, जो भी लगा लो, मतलब हक्का लिया यार, दाल अच्छी नहीं थी बंदे की, यार दाल में नमक नहीं था। अब थोड़ा सोने का विचार कर रहे हैं लेकिन सोएंगे नहीं। कुछ पूछा मैंने कुछ।
साले मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने ड्राइवर सोएगा बस ड्राइवर साहब सोएंगे और हम बैठ में बगल में जगे रहेंगे और जो हुआ मुन्नी बदला हुई है सिला जवानी हुई हम देखेंगे ठीक है भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो गाइस देख रहे हो गाइस व्लॉग हो रहा है गाइस Me trapped inside this spell. Now I feel like, now I feel like your demons drag me close to hell. I can feel like. Guys, we are in Jalandhar. Finally, guys, we are reaching Jalandhar. We are near Civil Hospital and 100 kilometers away from Amritsar. देख लो भाई किसान आंदोलन का कुछ यहाँ पे भी हिस्सा दिखता हुआ रास्ते में भाई साहब एक भी टोल नहीं लगा मतलब बिल्कुल फास्टैग का जो अपना पंगा था वो तो चलो सॉल्व हो गया था बट फिर भी टोल नहीं लगा अगर नहीं भी सॉल्व होता ना फिर भी एक नंबर का ट्रिप बन जाता अपना ये क्योंकि टोल तो लगना ही नहीं था अरे 1000 रुपए ना और भाई ये देखो भाई हमारे साथ कुछ बंदे जा रहे हैं ये तो हमारे ड्राइवर साहब बढ़िया नींद खींचा है इन्होंने पूरे रास्ते और भाई दिखा तो दो बंदे ने चार पिछले 4 घंटे से बंदे ने आंख नहीं खोला भाई सब ऐसा नहीं मेरे बैग में निकाले कमाल है भाई। फाइनली हम अमृतसर आ गए हैं एंड यू कैन सी दिस गोल्डन टेंपल का जो गेट है गोल्डन गेट एंट्रेंस सिटी के लिए काफी खूबसूरत है अभी तो इतने अच्छे तरीके से जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा कैमरा इसे बट कोई नहीं सुबह पहले भी होटल जाके चेक इन करते हैं बैगेज वैगेज वहाँ डालते हैं पूरा उसके बाद आते हैं सुबह एक नंबर का बेहतरीन लोकेशन दिखाएंगे आपको पूरी सिटी एक्सप्लोर करेंगे जितना हो सका उतना आज एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में अभी देखो बस होटल तक पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं वहाँ पे पहुँच तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए अमृतसर और बेस्ट पॉइंट बात यह है कि हमें एक छोटा सा कोजी सा स्टे मिल गया छोटा सा होटल रूम मिल गया और यार बहुत जगह ट्राई किए थे मिला नहीं फाइनली ये मिला है जो भी मिला है लेकिन बेस्ट बात यह है कि बेहतरीन मिला है मतलब कहते हैं ना जो होता है बेटरमेंट के लिए होता है एकदम गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने मतलब होटल से निकलो 2-4 कदम चलते अपना गुरुद्वारा आ जाता है तो ज़्यादा उधर जाने आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है अभी मस्त तब तक हम सोते आराम करते हैं और दिल्ली से निकला मतलब एक बार के लिए नहीं सोऊँ हमारे ड्राइवर साहब तो 2-3 घंटे नींद खींच लिए और जावेद भैया तो क्या ही कहना बंदा यार 5 घंटा सोया यार मतलब 9 घंटे की राइड में 5 घंटा बंदा सोया है हद है यार मतलब कैसे कर लेते लोग ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा बाकी थक गए अभी के लिए एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो लाइक कर देना बुरा लगा हो डिसलाइक कर देना कॉमेंट जरूर करना जैसा भी लगा हो और गाइज शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो पुराने हो ना तो 2-4 से सब्सक्राइब करवा देना ओके गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग वंस अगेन बाकी जो भी गोल्डन टेम्पल में या कहीं मार्केट में जाते हैं तो जितना सूट कर पाऊंगा करूंगा और आप तक जरूर दिखाऊंगा थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट